नमस्कार। विषय हिंदी, कक्षा 8। वाला विद्यार्थी मित्रों, आज अपने पाठ 2 ईदगाह जी कहानी छे, ये कहानी आज आप चर्चा करवानी छे। अने आज कहानी छे एना कहानिकानु नाम छे प्रेमचंद। तो एमनो पण आपणे परिचय मेळवानो छे। प्रेमचंद ए हिंदी भाषाना एक महान कहानीकार छे, उपन्यासकार छे। एमने हिंदी नी अंदर सारूं एवुं योगदान आपेलुं छे। तो आपणे एमनो पण परिचय मेळवीशुं अने ईदगाह कहानी छे एनी पण चर्चा करवानी छे। तो प्रथम तो दरेक पोतानुं हिंदी पाठ्यपुस्तक खुल्लू राखशे, जेथी ज्यारे आ वीडियो तमे जोता हो त्यारे तमे सारी रीते ए कहानी तमे जोई शको। तो आपणे हवे ईदगाह कहानीनी चर्चा करीशुं। पाठ 2 ईदगाह। प्रेमचंद। जन्म सन 1880, निधन सन 1936। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्हई नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधीजी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। तो यहाँ पर प्रेमचंद जी का परिचय है। तो उन्होंने मैट्रिक तक अभ्यास करके वह अध्यापक बने हुए थे, लेकिन गांधीजी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के बाद उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी भी त्याग दी थी और देश के लिए उन्होंने आंदोलन में भाग लिया था। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियां मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रगतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इसमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कहानी है ईदगाह, वह प्रेमचंद की अमर कहानी है। और इसमें जो कहानी का जो बाल नायक, वह एक हामिद नाम का एक बच्चा है। और इनकी जो परिस्थिति है, इनका यहाँ पर निरूपण हुआ है। वह बालक होते हुए भी उनकी जो विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता है वह यहाँ प्रकट होती है। यहाँ पर जो पाठ का जो टाइटल है ईदगाह, तो ईदगाह का अर्थ हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ईदगाह वह ऐसा स्थान है जहाँ पर जो मुसलमान लोग होते हैं वह रमज़ान ईद के दिन सब लोग वहाँ इकट्ठे होकर मस्जिद में वह नमाज अदा करते हैं। अपने अल्लाह की नमाज अदा करने की जो स्थान होता है उनको ईदगाह कहते हैं। तो रमज़ान ईद के दिन सब मुसलमान भाई ईदगाह जाते हैं और वहाँ एक दूसरे को गले मिलते हैं। यहाँ पर एक चित्र भी है जो इस कहानी में हम देख सकते हैं।
कि यहाँ पर एक मस्जिद दिखाई दे रही है और सभी जो लोग मिलते हैं इस स्थान को ईदगाह कहते हैं और मुसलमान भाई एक दूसरे को गले मिलते दिखाई दे रहे हैं और ईदगाह के दिन ईद के दिन जो ईदगाह है वहाँ पर बच्चे बूढ़े सब दिखाई दे रहे हैं और बच्चे खिलौने मिठाई खरीदकर वह अपनी खुशी प्रकट करते हैं। तो जो यह स्थान है वह ईदगाह का है और यहाँ रमज़ान ईद का त्यौहार सब लोग मनाते दिखाई दे रहे हैं। तो हम कहानी की शुरुआत करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। तो पूरे 30 दिन के बाद जब रोजे खत्म होते हैं तब ईद आती है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूरज देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर जो गांव का वर्णन किया हुआ है और जो गरीब लोग हैं वो भी इस दिन पर कैसी तैयारी करते हैं ईदगाह जाने के लिए, ईद मनाने के लिए, यह वर्णन भी यहाँ हमको दिखाई दे रहा है। और इस पाठ के माध्यम से उनका जो परिवार की जो स्थिति है उनका भी वर्णन हम देख सकते हैं। तो अगले वीडियो में इस कहानी की और चर्चा करेंगे। अस्तु।